कटनी जिले में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन होता है और ग्रामीण शहर क्षेत्र के द्वारा यह मरीज को लाभांश देते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके उन्हें निःशुल्क चश्मा भी दिया जाता है। इसी तरह कटनी जिले में एक और ट्रस्ट डॉक्टर गीता गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट कटनी के द्वारा पिछले सन 2000 से सेवा दे रही है। शासन द्वारा उन्हें भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर शेफाली गुप्ता जो कि इस ट्रस्ट के एक सदस्य के रूप में काम कर रही है और इसके ऑनर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गुप्ता जी जो कि जीजी हॉस्पिटल के नाम से बर्गवा रोड में स्थित हैं। यह ट्रस्ट पिछले 4 सालों से लगभग गांव, ग्रामीण, शहर और आसपास के लोगों को नेत्र शिविर लगाकर या अपने हॉस्पिटल में हर रविवार को शिविर लगाकर सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक लगभग 5000 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन और चश्मा भी प्रोवाइड किया जा चुका है। डॉक्टर शेफाली गुप्ता ने नेत्र रोग विशेषज्ञ और एक अच्छी समाज सेविका है। उनका मानना है कि शासन, कलेक्टर या सीएमओ हॉस्पिटल के द्वारा हमें गाड़ी प्रोवाइड कर दी जाती है, समय समय पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेवाएं देते हैं। मैडम, जैसे कि मालूम पड़ा कि गीता ट्रस्ट के द्वारा लगभग काफ़ी समय से मोतियाबिंद का ऑपरेशन वगैरह काफ़ी शहर में चर्चा भी है और मैं चाहूँगा कि इस ट्रस्ट के बारे में थोड़ा बताएं, अभी तक हम इसमें कितना प्रोग्रेस किया और आने वाले कल में के बारे में, और जहाँ तक अभी अब तक कितने लोगों का अपन मोतियाबिंद ऑपरेशन किए, शासन से आपको क्या सहयोग मिल रहा है? गीता गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट में तकरीबन 2020 जनवरी से स्टार्ट किया था और ये ट्रस्ट जो है मैंने जब स्टार्ट किया था तब बहुत छोटे स्केल पे किया था, तो मैं बहुत कम लोग मुझे जानते थे कि मैं यहाँ फ्री ऑपरेशन करती हूँ। मैंने हमेशा जो ऑपरेशंस फ्री ऑपरेशन किए हैं वो इतवार को ही किए हैं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, तो मैं सिर्फ इतवार को ही ये ऑपरेशन पेशेंट्स को लाभान्वित कर पाती हूँ। और जो ये तकरीबन जो ऑपरेशन जो आपने दूसरी बात बोली वो तकरीबन मैं लगभग 4.5 से 5 हज़ार ऑपरेशन फ्री कर चुकी हूँ अभी तक, और अभी तक सारे पेशेंट्स मेरे सभी ऑपरेशन काफ़ी सफलपूर्वक मैंने किए हुए हैं और शासन की तरफ से मेरे को काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ चूँकि मेरा ट्रस्ट बहुत छोटा है तो कोई भी एनजीओ या कोई भी संस्था मेरे साथ नहीं जुड़ी हुई है। मैं अभी जो भी करती हूँ होल एंड सोल अपने ही लेवल पे करती हूँ। मेरे यहाँ 3 सर्जन्स और हैं जो कि मेरी मदद करते हैं ऑपरेशन कराने में, जो कि इतवार को आते हैं, तो रेगुलर जैसे कुछ ऑपरेशंस मैंने किए, फिर ट्रॉली हमने चेंज की, फिर वो दूसरा सर्जन किया, तो जिससे हम सारा कुछ जो स्टेलाइजेशन का जो एक प्रोटोकॉल है वो भी हम फॉलो करते हैं कि सारे ऑपरेशंस मैं ही नहीं करती हूँ, मेरे और कलीग्स भी करते हैं। अच्छा मैडम, ये आप और कहीं शिविर अलग भी कहीं शिविर भी आपने लगाया? हाँ, मेरे यहाँ जैसे जो कटनी के आसपास जितने भी गांव हैं या जितने भी पीएससी और ब्लॉक लेवल्स पे मेरे यहाँ हर इतवार को ही सुबह शिविर लगता है पेशेंट्स को, जहाँ जिनको लगता है कि मोतियाबिंद की शिकायत है तो उन पेशेंट्स को हम यहाँ लेके आते हैं। सुचारू रूप से जांच होती है पहले शुगर बीपी, या पेशेंट को कोई परेशानी तो नहीं है। यदि उनका पेशेंट का शुगर बीपी बढ़ा हुआ होता है तो आयुष्मान भी मेरे पास है, तो उनको हम फ्री में पहले शुगर बीपी बिल्कुल हम बैग देते हैं उनको और उनका इलाज करते हैं, उसके बाद हम फ्री में उनका आधार कार्ड से ऑपरेशन भी कर देते हैं। तो जिससे पेशेंट जो पहले भटकते थे हमारे यहाँ कि शुगर के कारण हम पेशेंट्स को लौटा देते थे, तो अब वो चीज़ नहीं है क्योंकि चूंकि आयुष्मान मेरे यहाँ से सुचारू रूप से चल ही रहा है तो उनको मैं भी बेनिफिट दे देती हूँ उसका। ये संस्था को लगभग कितने साल हो गए हैं? 2020 से मैंने स्टार्ट किया है तो अभी 24 चल रहा है, तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं मेरे को करते हुए। अभी मैं चाहती हूँ इसको मैं और इंक्रीज करूँ, उसमें मेरे को शासन से ये मदद चाहिए, या तो लोकल लेवल पे कलेक्टर सर से या फिर सीएचएमओ सर से, कि मेरे को थोड़ा सा जो पेशेंट्स मेरे जैसे किसी भी ब्लॉक लेवल पे या पीएससी लेवल्स पे रहते हैं तो उन पेशेंट्स को मेरे यहाँ तक छोड़ना और ले जाना, तो ये मेरे को अगर थोड़ी सुविधा मिल जाएगी स्टाफ तो मैं थोड़ा दूर भी जाके जैसे बोरीबंद बाकल अभी मेरी अप्रोच से बाहर है क्योंकि वो वैन यहाँ पे खड़ी ही नहीं हो पाती है, बोलती नहीं हम इतनी दूर नहीं जाएंगे, तो मैं अभी जो सीमित हूँ वो कटनी के आसपास सीमित हूँ 50 किलोमीटर तक, फिर मैं थोड़ा दूर भी लगा सकती हूँ। अगर शासन से मुझे इस चीज की मदद मिल जाती है तो मैं और अच्छा काम कर सकती हूँ। आज लगभग कितने
मरीजों को हमने 45 ऑपरेशन है, मैं करके आ चुकी हूँ। मेरा कलीग है वो ऑपरेशन कर रहा है अभी। मैंने सुबह ओटी स्टार्ट कर दी थी, तो आधे ऑपरेशन मैंने किए, आधे वो करेगा, तो हमको ऐसे दिक्कत नहीं जाती है। जी अच्छा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर शिफाली गुप्ता है जी। इस ट्रस्ट में क्या है? इस ट्रस्ट में नहीं, मैं समझ नहीं पाई आपका क्वेश्चन। जी ट्रस्ट अपना गुप्ता जी, गीता गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट नाम कैसे पड़ा आप ये पूछना चाहते हैं? जी जी, डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी सिस्टर जिनका नाम गीता था, गीता गुप्ता, वो डॉक्टर थी। उनकी 25 इयर्स में जब उन्होंने कंप्लीट किया, उसके जस्ट बाद ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई। तो तभी से जब मेरे को ऐसा लगा, तभी से हमारा मन था कि उनके नाम से कुछ ऐसा हो कि जिससे हमारा पूरा मतलब जो उनको जाने, तो जब भी कोई पूछे कि गीता गुप्ता नाम क्यों, तो उन्हीं के नाम से मैंने ट्रस्ट ओपन किया हुआ है। थैंक यू। क्या नाम आपका? कुमार दुबे। आप सभी मरीजों को आप लेके आए हैं? जी। लगभग कितने लोगों को ला चुके आप? 3 चक्कर लाए हम, 36 लोगों। अच्छा, कहाँ के आप? यानी आप तो समाज सेवा कर रहे हैं जी। सबके होने हैं कहाँ के दादा? सरइया है। आपका भी ऑपरेशन होना है? आपका ऑपरेशन होना है? क्या नाम दादा आपका? कहाँ के हैं? बड़खेड़ा। ठीक था ऑपरेशन? अच्छा था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कटनी से हसन रशीद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।